जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग वॉयस पढ़ रहे हैं, बस एक या दो वीडियो और वॉयस का बचा हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, है ना, उसका फेयर या नोट्स बनाते जाइए, है ना। एग्जाम्पल सहित मैं एक्सप्लेन किया हूँ। यदि आपको कई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट रूल 13 नंबर में पढ़ते हैं। हम लोग 12 तक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम लोग 13 नंबर, है ना, देखते हैं। एक एक्टिव सेंटेंस रहेगा, ध्यान देना है, एक एक्टिव सेंटेंस रहेगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब होगा, तब डेट क्लॉज होगा, है ना, सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब होगा और डेट क्लॉज होगा, है ना। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, तब क्या होगा, वर्ब, तब क्या होगा, डेट क्लॉज। तो आपको ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, डेट क्लॉज को इधर लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसा सेंटेंस आता है तो इसका जब आप पेसिव बनाएंगे, ये सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा और ये डेट क्लॉज के बदले आप ईट का प्रयोग करेंगे। इसको ईट ऑब्जेक्ट, इसको ईट मानकर इसको इधर लाएंगे, ईट हो जाएगा इधर। डेट क्लॉज को नहीं लाना है, सिर्फ ईट को लाना, ईट लाएंगे तब ये वर्ब किसी ना किसी टेंस में होगा। हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, किसी ना किसी में होगा। तो जिस भी टेंस में हो उसका ऑक्सिलियरी वर्ब दीजिए, है ना, क्या दीजिए, ऑक्सिलियरी वर्ब दीजिए। तब यहाँ जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म देकर तब प्लस डेट क्लॉज लिखिए। ये जो डेट क्लाउज है ये हूबहू यहाँ लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझे, है ना। सब्जेक्ट है, वर्ब है, तब क्या है, डेट क्लाउज। इसका जब पेसिव बनाइएगा तो डेट क्लाउज को इधर नहीं लाकर डेट क्लाउज के बदले में एक ईट प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन होगा, इसको यहाँ ले आना है। ये पेसिव में सब्जेक्ट ईट हो जाएगा, तब ये जो वर्ब होगा ये किसी ना किसी टेंस में होगा। हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हो सकता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या पास्ट फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा। उस टेंस के अनुसार ऑक्सिलियरी वर्ब देंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, तब डेट क्लॉज लिखेंगे, है ना। चलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, पीपुल बिलीव, believed that the earth was flat। देखिए यहां क्या लिखा है, people believed that the earth was flat। या people देखिए subject हुआ, believed देखिए verb हुआ। देखिए यहां से that से शुरू है ना, इसको आप that clause कहिए। that से शुरू हुआ last तक, इसको क्या कहेंगे, डेट क्लॉज कहेंगे। तो इसका जो आप पेसिव बनाइएगा, इस डेट क्लॉज को इधर नहीं लाना है, आपको पेसिव जब बनाना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ ईट लिखेंगे, ईट लिखे, तब ये बिलीव्ड देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव स्ट्रक्चर आपको लिखा दिए हैं, बता दिए हैं, याद किए हैं आप। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज वेयर होता है, तो ईट के साथ वाज या वेयर में से वाज हो जाएगा। बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड ही रहता है, इट वाज बिलीव्ड, तब ये डेट क्लॉज को हूबहू उतार दीजिए, इससे कोई चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है। डेट द अर्थ वाज फ्लैट ऐसे हो जाएगा, इट वाज बिलीव्ड डेट, है ना, द अर्थ वाज फ्लैट, एक ये है। फिर एक और एग्जांपल देखिए, एक तो एग्जांपल लिखते हैं, दे थिंक दैट मोहन विल गो टू पटना। अब इस सेंटेंस में देखिए, दे थिंक दैट मोहन विल गो टू पटना, दे देखिए यहां क्या सब्जेक्ट है, थिंक देखिए वर्ब है, फिर ये डेट से शुरू हुआ लास्ट तक, इसको आप डेट क्लॉज कहिए। क्या कहना है, इसको डेट क्लॉज कहना है। इसका पेसिव जब बनाइएगा, इसको डेट क्लॉज को इधर नहीं लाना है, ईट लाना है। तो पेसिव आप जब बनाइएगा तो यहाँ ईट लिखिए। अब देखिए थिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना आप सीखे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जा रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो इसके साथ इज हो जाएगा और ये थिंग का थर्ड फॉर्म थाउट हो जाएगा, इट वाज थाउट। अब ये डेट क्लॉज को लिख देना है जैसे डेट है ना, मोहन मोहन विल गो टू पटना, ऐसे हम लोग डेट क्लॉज वाले को बनवाते बनाते हैं। एक इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंसेस होता है उसको देखिए है ना, 14 नंबर में देखिए, एक तो एक्टिव वॉइस में रहेगा, सब्जेक्ट होगा तब वर्ब होगा तब ऑब्जेक्ट होगा तब प्लस डेट क्लॉज होगा है ना। अब देखिए इधर वाला सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तुरंत डेट क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है तब इधर क्या है डेट क्लॉज है, समझ रहे हैं। तो इसका जो आप पैसिव बनाइएगा है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाइए तब ये वर्ब जिस भी टेंस में होगा उसका ऑक्सिलियरी वर्ब दीजिए, तब यहाँ जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म दे दीजिए, तब प्लस बाय प्लस एजेंट, सिचुएशन के अनुसार देना है नहीं तो नहीं भी दिया जा सकता है, तब प्लस डेट क्लॉज, तब डेट क्लॉज का यूज करेंगे। इसमें इट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको इसमें इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम सब्जेक्ट बना देंगे, इस वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, तब ये सब्जेक्ट को इधर बाय प्लस एजेंट बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं इससे कोई बात नहीं है, तब ये डेट क्लॉज को हुबहू इधर लिख देंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में दे टोल्ड हर डैड हर ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, इसको देखिए इसमें देखिए सब्जेक्ट दे हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया और डैड से यहां से शुरू हुआ लास्ट तक, इसको क्या कहेंगे आप डेट क्लॉज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे डेट क्लॉज कहेंगे। इसका जो पैसिव बनाइएगा इस डेट क्लॉज को कुछ नहीं करना, अब ये जो हर है ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाइए तो क्या लिखिएगा शी, क्या लिखना होगा शी, तब क्या लिखेंगे देखिए टोल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है वाज है ना, टोल्ड यहाँ है ना बाय देम नहीं भी दे सकते हैं, शी वाज टोल्ड। अब फिर ये डेट क्लॉज को हूबहू लिखिए डेट हर brother had gone to school, her brother had gone to school, ऐसे हम लोग that clause वाले sentence जिसमें object दिया रहता है उसको बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका एक example आपको हम और बताते हैं है ना, एक example और बताते हैं, आप note करते जाइए है ना, पूरा फेयर बना लीजिए और समझते जाइए, आपको एकदम घर बैठे पूरी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। एक और एग्जांपल एक्टिव वॉइस में हम लोग लिखते हैं इसी से रिलेटेड है ना, आई हैव एडवाइस्ड मोहन दैट ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग है ना। देखिए ये एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है, आई सब्जेक्ट है, have advised वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है, फिर इस डेट से लेकर लास्ट तक इसको हम लोग क्या कहते हैं डेट क्लॉज कहते हैं। तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं मोहन है ना एडवाइस्ड, देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो पास्ट सॉरी हैव एडवाइस्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मोहन हैज बीन एडवाइस्ड, मोहन हैज बीन एडवाइस्ड, यहाँ बाय मी दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तब डेट क्लॉज को लिखिए डेट ही शूड है ना वॉक है ना इन द मॉर्निंग,
ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह आप है ना ऐसे सेंटेंसेस का पेसिव में बना सकते हैं। इसको याद रखिए, ध्यान में रखिए, है ना। अब चलिए हम लोग दूसरा है ना इसका देखते हैं रिलेटेड, है ना। ये देखिए अगला है, अगला 15 नंबर में देखिए लिखा है ना, 15 नंबर में देखिए लिखा है, एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट है, तब वर्ब है, तब जो है प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, तब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को देखिए, हालांकि इसमें कोई खास बात नहीं है, एक पॉइंट है जिसके वजह से कभी भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको क्लियर कर लेना बेहतर होता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, तब प्रीपोजिशन है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव जब आप बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तब इस सब्जेक्ट के ये तब इस वर्ब के अनुसार है ना पैसिव में ऑक्सिलियरी वर्ब देते हैं, तब जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म देते हैं, तब प्रीपोजिशन देते हैं, तब जो प्रीपोजिशन यहाँ रहेगा वो देंगे, तब प्लस बाय प्लस एजेंट देंगे। तो एजेंट कौन होता है ये आप अच्छी तरह जानते है ना। आप देखे यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ जो वर्ब है इस वर्ब के अनुसार ये पैसिव का फॉर्म यहाँ लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो उसके अनुसार, पास्ट में होगा तो उसके अनुसार, फ्यूचर में होगा तो उसके अनुसार, और जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन देना है, तब बाय प्लस एजेंट। अब ये देखिए प्रीपोजिशन और यहाँ बाय भी प्रीपोजिशन है, तो इस सेंटेंस में दो दो प्रीपोजिशन एक साथ लिखा जाएगा, है ना। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जबकि है ना, जबकि आपको ये याद रखना है कि दो प्रीपोजिशंस एक साथ एक जगह पर जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन एक रेयर केस है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसको गलत नहीं समझना है, ध्यान में रखना है ना। फिर जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, है ना, शी लॉफ्ड एट मी। इस एग्जांपल को देखिए, लिखा है शी लॉफ्ड एट मी। इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, शी लॉफ्ड एट मी। इसको आप देखिएगा तो शी सब्जेक्ट है, लॉफ्ड वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका जब आप पैसिव बनाइएगा तो इस मी जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करिएगा, सब्जेक्ट बना दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा आई लॉफ्ड। देखिए वर्ब का ये दूसरा फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आपको पता है ना, तो वाज हो जाएगा, लॉफ्ड का थर्ड फॉर्म रह ही जाएगा, आई वाज लॉफ्ड एट। देखिए तब बाय, यहां देखिए एट और बाय दो दो प्रीपोजिशंस एक जगह है, लेकिन ग्रामर के ख्याल से ऐसा लिखना गलत होता है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, है ना, तो इसलिए ये लिखना पड़ता है। एक तो और एग्जांपल एक्टिव वॉइस में देखिए लिखा है, मोहन शुड लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रेन, है ना। क्या लिखा, मोहन शुड लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रेन। ऐसे सेंटेंस को आप देख सकते हैं, मोहन सब्जेक्ट है, शुड वर्ब है, लुक आफ्टर देखिए शुड मॉडल वर्ब और लुक आफ्टर है, ये आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन है, और दीज चिल्ड्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका जब आप पैसिव बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर ले आते हैं, तो पैसिव जब बनाएंगे तो ये दीज चिल्ड्रेन इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रेन इधर आ गया, है ना। तब ये देखिए शूट है, तो आप भी शूट दीजिए, क्योंकि मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ बी देना पड़ेगा, और लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, है ना, तब आफ्टर, है ना, बाय मोहन। यहाँ देखिए यहाँ बाय भी प्रीपोजिशन है, आफ्टर भी प्रीपोजिशन है, तो दो दो प्रीपोजिशन यहाँ एक साथ हो रहा है, क्योंकि इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी, आप पूरा फेयर बना लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, है ना। आपके परीक्षा की पूरी तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। हम इसी तरह ग्रामर का एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट, जो चैप्टर होता है, जितना पॉसिबल हो सके 15 से 20 मिनट तक का वीडियो आपके, है ना, यूट्यूब पर हम डालते रहेंगे। आप देखते रहिए, फेयर बनाते जाइए, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।